हे गाइस, हाय, दिस इज़ शमा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज एक और कमाल की वीडियो मैं लेकर आई हूँ, जिसमें आप घर के कामों को आसान बना सकते हैं इन टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज़ करते हुए। तो बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही अच्छी अच्छी टिप्स आज की इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सी हैक आपके लिए यूज़फुल रहे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मेरी आज की जो सबसे पहली टिप है वो है इस तरह के स्क्रबर के ऊपर, जो हम बर्तन को क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं। अक्सर आप जब भी बर्तन को क्लीन करते हैं तो इसको क्लीन करने के बाद हम इसको वॉश करके ऐसे ही सोप के साथ रख देते हैं, जिससे क्या होता है, इसमें गंदी सी डोर आ जाती है, गंदी सी बदबू आती है क्लीन ना होने की वजह से प्रॉपर, क्योंकि इसमें पानी रह जाता है। तो किस तरह से इसकी बदबू को हमें दूर करना है, उसके लिए एक छोटी सी टिप है। आई होप कि ये आपके काम आएगी। नया पुराना कोई भी स्क्रबर अगर आप इनफैक्ट यूज़ कर रहे हैं ना, तो उसको भी आप इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सुई ली है, उसमें मोटा धागा डाला है, और इस तरह से बस इसमें एक नॉट लगा के एक इस तरह से लूप बना देना है। और सेम इसी तरह से अगर आप स्टील का अभी यूज़ करते हैं स्क्रबर, तो उसके साथ भी ऐसे ही करिए। इसमें एक इस तरह से धागा लगा के और इसमें एक लूप लगा दीजिए। ये देखिए, दोनों तरफ से इस तरह से लूप लग गया है। अब जब भी आप क्लीन कर लें, इसको वॉश करने के बाद आप डायरेक्टली इसको सोप के स्टैंड पे मत रखें, आप इसको अपने जो भी टैप है उसके यहाँ पे हम ऐसे टांग दें। देखिए, यहाँ पे ऐसे टांग दिया मैंने। इसका पानी जो है डायरेक्ट आपके सिंक में आएगा, और थोड़ी देर बाद ये पूरा पानी जो है निकल जाएगा, और आपको सूखा हुआ स्क्रबर मिलेगा, साथ ही इसमें कोई स्मेल भी नहीं रहेगी। इसके अलावा अगर आप इसमें धागा नहीं यूज़ करना चाहते, तो सिंपल का सा तरीका है कि आप अपना पुराना क्लेचर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं वो भी करके दिखा रही हूँ कि अगर आप धागे के साथ नहीं जाना चाहते हैं, अगर उसको नहीं यूज़ करना चाहते हैं, तो इस तरह की क्लोथ वाली पिन का यूज़ कर सकते हैं, क्लिप का, और इस तरह के क्लेचर का भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरी टिप ये है कि फ्रीज में अक्सर क्या होता है कि जल्दीबाजी में हम बर्तन के साथ ही खाने को फ्रिज में रख देते हैं, जैसे कि पतीला है उसको उठा के फ्रिज में रख दिया, या कभी कभी कढ़ाई को रख दिया। और दूध का बर्तन तो हम हमेशा रखते ही रखते हैं, क्योंकि उसी में दूध बॉयल करना है। तो नीचे से जो है ना, तले में से जो गंदगी होती है, वो फ्रिज के अंदर आ करके उसके प्लेटफॉर्म को गंदा करती है। तो आप इस तरह का ना एक मैट बना सकते हैं। ये मैंने घर पे बनाया है, बहुत सारी वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर भी किया है। ये मैट बना के आप रखें तो ये फ्रिज गंदा नहीं होगा और क्लीन रहेगा। नेक्स्ट टिप इस तरह के कंटेनर के ऊपर है। मैंने पिछली वीडियो में भी इस तरह के कंटेनर का यूज़ बताया था, तो एक और यूज़ मैं इसका आपको बता रही हूँ। तो सिंपल सा मैंने एक कंटेनर ले लिया है, इसमें मिठाई आई थी तो उसको क्लीन करके मैंने रखा था। अब क्या करना है, नीचे की तरफ आपको कोई भी पेपर बिछा देना है, या फिर टिश्यू पेपर ले लेना है, उसको बिछा लीजिए आप। थोड़ा सा सेट करेंगे ताकि इसके शेप में टिश्यू पेपर आ जाए, तो मैंने शेप में रखा है। अब देखिए, जो ऑयल मैं विंटर सीज़न में यूज़ करती हूँ, रेयरली यूज़ करती हूँ, जिनका ज़्यादा काम नहीं होता है, उनको मैं इस तरह से रख रही हूँ, क्योंकि कहीं पे भी आप रखिए ना, इसमें से तेल जो है रिस के प्लेटफॉर्म को गंदा करता है, या जहाँ पर भी आप रखें वहाँ गंदा होता है। साथ ही साथ जो ज़्यादा तेल यूज़ होता है, जैसे ये नारियल का डब्बा बार बार खुलता है, तो इसमें से ज़्यादा ऑयल निकलता है। तो इसके लिए मैंने इसके नीचे एक अलग से किचन का पुराना मसाले के डिब्बा का ढक्कन था, उसको यूज़ किया है, जिससे क्या होगा कि ढक्कन में ही तेल रहेगा। तो इस तरह से इन कंटेनर्स का और इन लिड का आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप बहुत ही सिंपल सी है, लेकिन बहुत ही काम की है। अगर आप अपने घर को बहुत साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज रखना चाहते हैं, तो इस तरह का जो है फैब्रिक बॉल बना के आप रख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने दो शेड का कपड़ा यूज़ किया है, बीच में फोम शीट थोड़ी सी डाली है, और पीछे की तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने इसमें रिबन का यूज़ किया है। और इस तरह से करने के बाद इसको चारों तरफ से अगर आप टाई करते हैं ना, एक बो बनाते हुए, तो यहाँ पर एक ये फैब्रिक बॉल बन जाता है। तो बहुत ही सिंपल इसको बनाना है, इसकी वीडियो भी मैंने डाल रखी है। अगर आप इस तरह से बना के कई पीसेस आप अपने घर में रखते हैं ना, तो बहुत सारे काम जो हैं आपके आसान हो जाएंगे। छोटी छोटी चीज़ें जो अक्सर आप यूज़ में नहीं लेते हैं या ढूंढनी पड़ती हैं आपको, वो सारी चीज़ें आप इसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, एक बाउल बन के रेडी हो गया। ये दोनों तरफ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, 2-in-1 है। अब इसमें आप अपनी वॉच रख सकते हैं, छोटे छोटे हेयर बैंड है, क्लिप्स हैं, क्लेचर्स हैं, इसमें आप ये सारी चीज़ें रख सकते हैं।
जो आप कभी कभी यूज़ करते हैं या फिर आप सामने रखना चाहते हैं कि फटाफट मिल जाए। इसी तरह से आप इसमें ज्वेलरी होल्डर बना के यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी ज्वेलरी अगर आपके पास है तो इसमें आप एक जगह पे जो आप बार बार पहनते हैं उनको एक जगह पे इस बाउल में बना के आप सामने रख सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने बहुत सारे पीसेस को इसमें रखा हुआ है। इसके अलावा ये बहुत ही हल्का सा है और ये वॉश भी आप कर सकते हैं वॉशिंग मशीन में, तो बहुत ही हैंडी है ये। इसको आप किसी भी ऑर्गेनाइज़र के ऊपर भी आप रख सकते हैं, इसमें आप की वगैरह रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे देखिए एक छोटा सा मेरे पास प्लांट है तो उसको मैंने इसमें रख दिया है और सारी चाबियाँ मैं इसी में रख देती हूँ। तो कई तरह का मैंने बनाया है इसमें अपने यूज़ के लिए, आप ही बना सकते हैं। नेक्स्ट जो टिप है इस तरह के छोटे छोटे बॉक्स के ऊपर है। बहुत सारी चीज़ें इस तरह के बॉक्स में आती है हमारे घर में और बॉक्स जो है हम इधर उधर कर देते हैं। ये जब घर बन रहा था, मेरा रिसेंटली घर बना हुआ है, तो इसमें छोटे छोटे नेल आए थे बहुत, तो मैंने इनको यूज़ किया और उसके बाद से ये बॉक्स मैंने क्लीन करके रख लिया था। इसमें आप डेली का यूज़ का सामान रख सकते हैं, जैसे आप नेल कटर है, लिप बॉम है, ये सारी चीज़ें रख के आप कहीं एक जगह रख सकते हैं। या फिर एक छोटा सा आप ना मेडिसिन का बॉक्स बना सकते हैं, जैसे इसमें बाम रख सकते हैं, विक्स है और हाजमोले के पैकेट्स हैं या फिर पेन किलर है, इनो है, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें एक जगह पे आप रख सकते हैं। बहुत ही हैंडी है और आप चाहो तो इसको ट्रैवल में भी आप ले जा सकते हैं बॉक्स को बनकर। तो इस तरह के जो बॉक्सेस हैं उनको फेंके नहीं, इनका मल्टी तरीके से यूज़ है, आप इसका यूज़ इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छी चीज़ शेयर करने वाली हूँ। तो जब भी आयरन आप करते हैं तो आयरन करने के बाद प्रेस गर्म रहता है और हम क्या करते हैं उसको ऐसे ही कभी कभी छोड़ देते हैं या फिर इसको ऐसे घुमा के छोड़ देते हैं, जो सही नहीं है, डेंजरस कभी कभी हो सकता है, किसी का भी हाथ लग सकता है। तो यहाँ पर इस तरह के सिलिकॉन के आप आयरन पैड यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए सिलिकॉन का है ये और इसका मटेरियल बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही अच्छे से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका शेप जो है आयरन की तरह है तो आप इसको इजीली इस पर ऐसे रख सकते हैं, ये देखिए ऐसे रख सकते हैं और इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया है, आप मीशो से, फ्लिपकार्ट से, सभी पर अवेलेबल है और अराउंड 200 के अंदर ही ये मिलता है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप प्रेस करें तो प्रेस करने के बाद आप क्या करें कि गर्म प्रेस को इसके ऊपर ऐसे ही रख दें, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होता है। मैंने कई बार इसको यूज़ किया है, देखिए प्रेस गर्म है और इसका कुछ भी इस पर असर नहीं होता है। कि जैसे डाउट होता है मन में कि ये ख़राब हो जाएगा या चिपक जाएगा आयरन से, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। प्रेस बिल्कुल गर्म है और इस पर इस तरह से रख कर करके आपको जब भी आपको ब्रेक लेना हो आप इस पर रख दीजिए और फिर आप अपने जो भी कपड़े हैं उसको सेट कर लीजिए। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है जिसको आपको ज़रूर रखनी चाहिए। इनफैक्ट अगर बच्चों वाला घर है तो आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिए। तो आज के लिए गाइज इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कौन सा हैक आपको ज़्यादा पसंद आया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कॉमेंट जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, थैंक यू, बाय।